बढ़ती उम्र के साथ। खुद को बढ़ती उम्र के साथ स्वीकारना एक तनाव मुक्त जीवन देता है। हर उम्र एक अलग तरह की खूबसूरती लेकर आती है, उसका आनंद लीजिए। बाल रंगने हैं तो रंगिए, वजन कम रखना है तो रखिए, मन चाहे कपड़े पहनने हैं तो पहनिए, बच्चों की तरह खिलखिलाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा माहौल रखिए, शीशे में दिखते हुए अपने अस्तित्व को स्वीकारिए। कोई भी क्रीम आपको गोरा नहीं बनाती, कोई शैंपू बाल झड़ने से नहीं रोकता, कोई तेल बाल नहीं उगाता, कोई साबुन आपको बच्चों जैसी स्किन नहीं देता, चाहे वो प्रोडक्ट ब्रांडेड हो या साधारण। सब सामान बेचने के लिए झूठ बोलते हैं, ये सब कुदरती होता है। उम्र बढ़ने पर त्वचा से लेकर बालों तक में बदलाव आता है। पुरानी मशीन को मेंटेन करके बढ़िया चला तो सकते हो, पर उसे नई नहीं कर सकते। ना किसी टूथपेस्ट में नमक होता है, ना किसी में नीम, किसी क्रीम में केसर नहीं होती, क्योंकि 2 ग्राम केसर भी 500 रुपए से कम की नहीं होती जनाब। कोई बात नहीं अगर आपकी नाक मोटी है तो, कोई बात नहीं अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो, कोई बात नहीं अगर आप गोरे नहीं हैं या आपके होठों का शेप परफेक्ट नहीं है तो। याद रखना, आप सब सुंदर हैं, अपनी सुंदरता को पहचानिए। दूसरों से कमेंट या वाह वाही लूटने के लिए सुंदर दिखने से ज्यादा जरूरी है अपनी सुंदरता को महसूस करना। हर बच्चा सुंदर इसलिए दिखता है क्योंकि वो छल कपट से परे और मासूम होता है, और बड़े होने पर जब यही बच्चे छल और कपट से जीवन जीने लगते हैं तो वो मासूमियत खो देते हैं और उस सुंदरता को पैसे खर्च करके खरीदने का प्रयास करते हैं। इसलिए मन की खूबसूरती पर ध्यान दो। पेट निकल गया तो कोई बात नहीं, उसके लिए क्या शर्माना। आपका शरीर आपकी उम्र के साथ बदलता है, वजन भी उसी हिसाब से घटता बढ़ता है, उसे समझिए। सारा इंटरनेट सोशल मीडिया तरह तरह के उपदेशों से भरा रहता है, ये खाओ वो मत खाओ, ठंडा खाओ गरम पियो, कपाल भाती करो, सवेरे नींबू पियो, रात को दूध पियो, जोर से सांस लो, लंबी सांस लो, दाहिने से सोइए, बाईं से उठिए, हरी सब्जी खाओ, दाल में प्रोटीन है। अगर पूरे एक दिन सारे उपदेशों को पढ़ने लगे तो अंत में पता चलेगा कि जिंदगी बेकार है, न कुछ खाने को बचेगा न कुछ जीने को, और आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। ये सारा ऑर्गेनिक एलोवेरा करेला मेथी में फंसकर दिमाग का दही हो जाता है। स्वस्थ होना तो दूर स्ट्रेस हो जाता है। अरे अपन मरने के लिए जन्म लेते हैं, कभी ना कभी तो मरना है। अभी तक बाजार में अमृत बिकना शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हर चीज सही मात्रा में खाइए, हर वो चीज थोड़ी थोड़ी जो आपको अच्छी लगती है। भोजन का संबंध मन से होता है और मन अच्छे भोजन से ही खुश रहता है। मन को मारकर खुश नहीं रहा जा सकता। थोड़ा बहुत शारीरिक कार्य करते रहिए, सुबह शाम टहलने जाइए, हल्की फुल्की कसरत करिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। और हाँ, शरीर से ज्यादा मन को सुंदर रखिए।